दोस्तों नमस्कार। आज हो चुकी है 24 फरवरी 2019 और देश दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरों में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल खबर आप तक। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की, तो मोबाइल नंबर पोर्ट कराना होगा सस्ता और आसान। ट्राई ने बताया क्यों कटी है ग्राहकों की संख्या। बता दें कि आने वाले दिनों में आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट कराना और सस्ता हो सकता है, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मोबाइल ग्राहकों को यह तोहफा दिया जा सकता है, जिसमें ट्राई में कहना है कि दूरसंचार क्षेत्र में हर महीने होने वाले नंबर के पोर्ट की संख्या में काफ़ी कमी हो रही है और उसकी रेट को अब सस्ता कर दिया जाएगा। कंपनियों से उन्होंने रेट की सस्ती पोर्टिंग करने को लेकर के उसके शुल्क को कम करने के लिए एक राय मांगी है और इसके अनुसार इस वजह से नंबर को पोर्ट करने वाले ग्राहकों की संख्या काफी हद तक वापिस बढ़ सकती है। बात चलो दूसरी बड़ी खबर की करते हैं, सेना के बारे में कितना नॉलेज है आपको, आप जीत सकते हैं 10,000 रुपए। जी हाँ, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के बारे में आप लोगों को कितनी जानकारी है, इसकी जानकारी की अगर आपके पास है तो भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सरकार ने एक कॉम्पिटिशन का आयोजन किया है, जिस कंपटीशन में आप वेबसाइट पर जाकर के कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनके जवाब अगर आप सही ढंग से दे देते हैं तो 10,000 रुपए तक जीतने का मौका आपको मिल सकता है। बता दें आपको केंद्र सरकार की वेबसाइट www.mygovernment.in के एक सेक्शन पर जाकर के इस कंपटीशन में आप भाग ले सकते हैं। 26 फरवरी 2019 की रात 12 बजे तक ये कॉम्पिटिशन ऑनलाइन चलेगा। इसमें कुछ बेसिक प्रश्न जो सेना से जुड़े हुए होंगे वो आपको पूछेंगे और उनका सही जवाब देकर के आप जीत सकते हैं 10,000 रुपए। किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको 100 सेकंड का समय मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलवामा आतंकी हमले के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने माफ किया 23 जवानों का लोन। आपको बता दें कि 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों में से 23 जवानों के पास होम लोन का बैंक से लोन चल रहा था, जिसको कि SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब माफ कर दिया है। ये बहुत ही एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से कि सरकारी बैंक से चल रहे लोन को माफ कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 31 मार्च तक जरूर कर ले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक, वरना नहीं भर पाएंगे रिटर्न। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अब आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना कंपलसरी कर दिया गया है। इसके लिए 31 मार्च 2019 की तारीख तय की गई है। तब तक अगर आपका पैन कार्ड भी आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप उसे लिंक करवा दें, वरना आप अपना रिटर्न नहीं भर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10% बढ़ सकती है प्राकृतिक गैस की कीमतें और महंगी होगी CNG और PNG, यानी गैस उत्पादक कंपनियों का बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को घरेलू परियोजनाओं की प्राकृतिक गैस की कीमत में इजाफा कर सकती है। गैस की कीमतों में 10% बढ़कर के $3.72 प्रति इकाई MMBTU मिलियन थर्मल यूनिट किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कीमत अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 के बाद सबसे अधिक महंगी गैस आपको मिलेगी और इसके साथ ही अब आने वाले समय में गैस के दाम फिर से बढ़े हुए आपको नजर आ सकते हैं। बताते हैं आपको अगली बड़ी खबर के बारे में। मुफ्त में बदलवा सकते हैं पैन कार्ड में छपा गलत नाम, इन स्टेप्स को करना होगा फॉलो। यानी कि पैन कार्ड अगर आपने बनवाया है और उसमें अगर कोई नाम अगर मिस्टेक से गलती से अगर गलत छप गया है तो उसको अब आपको बदलवाने के लिए किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपने नेट बैंकिंग की वजह से उसको बदल सकते हैं। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने जाकर के फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा, साथ में अपने सही नाम का सही डॉक्यूमेंट यानी कि जो जिसमें आपका नाम करेक्शन कंप्लीट है उसको लगा करके जो मिस्टेक्स है उसको अलग से फॉलो उसमें करनी पड़ेगी। उसको आप अपडेट करने के बाद सरकारी विभाग की तरफ से जारी पहचान पत्र का इस्तेमाल आप उसमें कर सकते हैं और ऐसा करने के बाद आपको एक प्रिंट कॉपी निकल जाएगी और बाकी आप उसको सबमिट कर दें और 10 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड अपडेट होकर के वापस आपके पास पहुंच जाएगा। बड़ी खबर बात करें सोना चांदी के भाव को लेकर, तो कमजोर मांग को लेकर के 145 रुपये गिरा सोने का भाव, चांदी में भी काफी तरफ से छाई सुस्ती। यानी कमजोर वैश्विक रुख के साथ ही घरेलू आभूषण कारोबारियों की सुस्त मांग के कारण अब 34,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सोना आ गया है और उसके साथ ही चांदी 41,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई है, यानी कि 140 रुपये की गिरावट प्रति तोले में सोने में देखी जा रही है। बड़ी खबर की बात करें तो 8वीं पास अगर आप हैं तो आप खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस और घर या दुकान पर चालू कर सकते हैं इस ऑफिस का काम। जी हां, सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया योजना की शुरुआत की है जिसमें अगर आप 8वीं पास हैं तो आप किसी भी तरह से अपने घर या दुकान पर पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। इसके लिए केवल आपको 5,000 रुपये जमानत के तौर पर जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपने घर पर पोस्ट ऑफिस के एक ब्रांच खोल सकते हैं। सबसे बड़ी सुविधा है कि इसमें आप अपने मर्जी मुताबिक समय सेट कर सकते हैं और औसतन महीने के 50,000 रुपये आप कमा सकते हैं। इसमें पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई चीज़ में प्रोडक्ट्स में जैसे डाक का रेवेन्यू टिकट, स्पीड पोस्ट की बुकिंग, रजिस्टर मनी ऑर्डर, पोस्टर, लाइफ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बिल टैक्स आदि आप इसमें जमा कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी योजना ये सरकार की तरफ से है। पहुंचाएंगे ऐसी तमाम सारी अपडेट जानकारी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए खबर आप तक। धन्यवाद।